महाराष्ट्र में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में लोगों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के कारण कई औद्योगिक संस्थानों के बंद हो जाने के कारण नागपुर में दिहाड़ी मजदूरों के सामने भोजन की दिक्कत आ रही है। साथ ही कई अप्रवासी लोगों को भी खाद्यान्न के लिए आ रही दिक्कतों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में करीब 500 बस्तियों में रोजाना भोजन सुनिश्चित कर रहा है। संघ ने 2 अप्रैल से दायित्व उठाया था और अभी करीब 300 स्वयंसेवकों की मदद से ये जनसेवा की जा रही है। जरूरतमंदों को दिए जाने वाले पैकेट में 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो तुअर दाल, 1 लीटर तेल, 1 किलो शक्कर, 500 ग्राम बेसन, 200 ग्राम चाय पत्ती, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला सहित आलू और प्याज दिया जा रहा है। संघ के मुताबिक अब तक करीब 60,000 पैकेट का वितरण हो चुका है। जिन लोगों को राशन कार्ड होने के बावजूद खाद्यान्न लेने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, उन्हें भी संघ की तरफ से खाद्य और अन्य जरूरी पदार्थ दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आरएसएस इस प्रकार के सेवा कार्य पूरे देश में चला रहा है। संघ का कहना है कि वे ये कार्य बिना किसी भेदभाव से कर रहा है, जिससे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके। देश में कई ऐसे शहर हैं जहां कोविड की वजह से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। ऐसे में संघ द्वारा किए जा रहे ये सेवा कार्य लोगों के मन को छू रहे हैं।